हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सवाल यह आता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो भी मास है, रिएक्शन के बाद उस एलिमेंट उस कंपाउंड का मास समान होना। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम एक है तो यहाँ मैग्नीशियम एक होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन दो है तो रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन भी दो होना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, यानी कि मैग्नीशियम बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देना कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर लिखेंगे वो हमेशा आगे की साइड लिखेंगे, ना कि बीच में, ना कि नीचे की साइड। ठीक है, जैसे ही किसी एलिमेंट या कंपाउंड को बैलेंस करेंगे पीछे आएंगे और फिर से चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ मैग्नीशियम एक, यहाँ देखो मैग्नीशियम दो हो गया, यानी कि इसे टू बनाना पड़ेगा, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ दो मैग्नीशियम, यहाँ दो मैग्नीशियम, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, क्योंकि टू का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन के साथ भी है, यानी कि ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। ध्यान देना कि अभी हम बेसिक लेयर के क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि हम इक्वेशन बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को समझ पाए, धीरे धीरे अच्छे लेयर के क्वेश्चन को लेंगे। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ कार्बन एक है, यहाँ कार्बन एक है, यानी कि कार्बन बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही किसी एलिमेंट या कंपाउंड को बैलेंस करेंगे फिर से पीछे आएंगे और पूरे इक्वेशन को चेक करेंगे। कार्बन एक, यहाँ दो कार्बन हो गया, यानी कि इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से चेक करेंगे, दो कार्बन, दो कार्बन, कार्बन बैलेंस हो गया, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, अब ये इक्वेशन जाके हो गया बैलेंस। अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4, तो बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो चेक करेंगे, यहाँ बेरियम एक है, यहाँ बेरियम एक है, यानी कि बेरियम बैलेंस है। यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ टू से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही किसी को बैलेंस करेंगे फिर से पीछे आएंगे और चेक करेंगे कि पूरा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ बेरियम एक, यहाँ बेरियम एक बैलेंस, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ सल्फर एक है, यहाँ सल्फर एक है, यानी कि सल्फर भी बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन फोर, यहाँ ऑक्सीजन फोर, अब ये जाके इक्वेशन हुआ है बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो ये बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो चेक करेंगे, सोडियम एक, यहाँ सोडियम दो, तो इसे दो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही कुछ चेंज करेंगे फिर से पूरी इक्वेशन को चेक करेंगे। यहाँ दो सोडियम, दो सोडियम, बैलेंस हो गया।
नेक्स्ट है ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ फोर ऑक्सीजन, मिला के हो गया सिक्स ऑक्सीजन। यहाँ फोर ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, मिला के हो गया फाइव ऑक्सीजन। हमें बनाना है सिक्स ऑक्सीजन उस साइड। अगर हम यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर ऑक्सीजन और टू ऑक्सीजन मिला के हो गया सिक्स ऑक्सीजन, और इधर हो गया सिक्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। ध्यान देना कि इस टू को हम यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसकी वजह से सोडियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं होगा। आगे चेक करेंगे हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, मिला के हो गया फोर हाइड्रोजन। यहाँ देखो फोर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बचा सल्फर, सल्फर एक है, यहाँ सल्फर एक है, यानी कि सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन को तो हमने पहले ही बैलेंस कर लिया, यानी कि ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। जब ग्लूकोज C6H12O6 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो चेक करेंगे सिक्स कार्बन वन कार्बन, यानी कि इसे सिक्स बनाने के लिए यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही कुछ चेंज करेंगे फिर से आएंगे और चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ सिक्स कार्बन, सिक्स कार्बन, कार्बन हो गया बैलेंस। 12 हाइड्रोजन, यहाँ है टू हाइड्रोजन, यानी कि इसे 12 बनाने के लिए यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही कुछ चेंज करेंगे फिर से वापस आएंगे, सिक्स कार्बन, सिक्स कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, यहाँ देखो सिक्स ऑक्सीजन है, यहाँ टू ऑक्सीजन है, यहाँ 12 ऑक्सीजन और यहाँ सिक्स ऑक्सीजन, टोटल मिला के हो गया 18 ऑक्सीजन और यहाँ टोटल मिला के हो गया 8 ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 ऑक्सीजन, सिक्स ऑक्सीजन प्लस 12 ऑक्सीजन मिला के हो गया 18 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। जैसे ही कुछ चेंज करेंगे फिर से चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। सिक्स कार्बन, सिक्स कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, सिक्स ऑक्सीजन, यहाँ 12 ऑक्सीजन, मिला के हो गया 18 ऑक्सीजन, यहाँ 12 ऑक्सीजन, यहाँ सिक्स ऑक्सीजन, मिला के हो गया 18 ऑक्सीजन। अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। Al4C3+H2O बनाता है मीथेन। CH4+AlOH3। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो चेक करेंगे यहाँ फोर एल्यूमिनियम, यहाँ एक एल्यूमिनियम, यानी कि इसे फोर बनाने के लिए यहाँ फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कुछ चेंज करेंगे फिर से वापस आएंगे और चेक करेंगे, फोर एल्यूमिनियम, फोर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है थ्री कार्बन, यहाँ है वन कार्बन, यानी कि इसे थ्री बनाने के लिए यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही कुछ चेंज करेंगे फिर से वापस आएंगे, फोर एल्यूमिनियम, फोर एल्यूमिनियम, थ्री कार्बन, थ्री कार्बन, कार्बन और एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, यहाँ है टू हाइड्रोजन, यहाँ देखो कितना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी देखो 12 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ फोर का मल्टीप्लाई थ्री हाइड्रोजन के साथ भी है। टोटल मिला के हो गया कितना हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन। यहाँ कितना है, टू हाइड्रोजन, इसे 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से चेक करेंगे इक्वेशन को, फोर एल्यूमिनियम, फोर एल्यूमिनियम, थ्री कार्बन, थ्री कार्बन, 24 हाइड्रोजन, यहाँ 12 हाइड्रोजन और यहाँ 12 हाइड्रोजन, मिला के हो गया 24 हाइड्रोजन। नेक्स्ट चेक करेंगे ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 12 ऑक्सीजन, क्योंकि इस फोर का मल्टीप्लाई इस थ्री ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 12 ऑक्सीजन। अब ये इक्वेशन जाके हुआ बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन लेते हैं। जब MnO3 रिएक्ट करता है HCl के साथ तो ये बनाता है MnCl2+Cl2+H2O। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ Mn एक है, यहाँ Mn एक है, यानी कि Mn बैलेंस है। नेक्स्ट बचा ऑक्सीजन, यहाँ थ्री ऑक्सीजन, यहाँ देखो वन ऑक्सीजन,
इसे 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से इक्वेशन को चेक करेंगे। MN1 है, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बचा है हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ देखो 6 हाइड्रोजन, तो इसे 6 बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही कुछ चेंज करेंगे फिर से इक्वेशन पे आएंगे। MN1 O3 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ कितना क्लोरीन है, 6 क्लोरीन, यहाँ कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन, और यहाँ 2 क्लोरीन, मिला के हो गया 4 क्लोरीन, हमें बनाना है 6 क्लोरीन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 क्लोरीन, 2 क्लोरीन यहाँ पर, 4 क्लोरीन यहाँ पर। ध्यान देना कि इस 2 को हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, इसकी वजह से MN भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, C2H6 जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए। जैसे ही कुछ चेंज करेंगे फिर से वापस आएंगे और चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। 2 कार्बन बैलेंस हो गया, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यानी कि इसे 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वापस आएंगे। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। नेक्स्ट बचा ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और ये 3 ऑक्सीजन, मिला के हो गया 7 ऑक्सीजन। अब हमें यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 7 ऑक्सीजन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो 7 आया है 7 लिखेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब ये हो गया बैलेंस, लेकिन ये इक्वेशन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, 2C2H6 प्लस 7O2, ये बन जाएगा 4CO2 प्लस 6H2O। फिर से इक्वेशन को चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, कार्बन हो गया बैलेंस। नेक्स्ट है यहाँ देखो 12 हाइड्रोजन, यहाँ 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। यहाँ देखो 14 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है 8 ऑक्सीजन, और यहाँ 6 ऑक्सीजन, मिला के हो गया 14 ऑक्सीजन, यानी कि ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जब FeH2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो चेक करेंगे। यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe2 है, यानी इसे 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही कुछ चेंज करेंगे फिर से चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ Fe2। नेक्स्ट है सल्फर, यहाँ 4 सल्फर है, यहाँ 1 सल्फर है, तो इसे 4 बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से चेक करेंगे। Fe2 4 सल्फर सल्फर और आयरन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बचा ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन प्लस 8 ऑक्सीजन, मिला के हो गया 11 ऑक्सीजन, और यहाँ है 2 ऑक्सीजन। हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 11 ऑक्सीजन आ जाए, तो क्या करेंगे, 11 आया है, 11 बाई 2 कर देंगे। अब ये इक्वेशन जो है अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये रेशियो में आया, तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये 4 Fe H2 प्लस 11 O2, ये हो जाएगा 2 Fe2O3 प्लस ये हो जाएगा 8 SO2। फिर से इक्वेशन को चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 4 आयरन, यहाँ 4 आयरन, यहाँ देखो 8 सल्फर, यहाँ देखो 8 सल्फर, यानी कि सल्फर और आयरन बैलेंस है। यहाँ देखो 22 ऑक्सीजन है, यहाँ देखो कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ देखो 16 ऑक्सीजन,
मिला के हो गया 22 ऑक्सीजन, यानी कि ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे ही कुछ चेंज करो फिर से इक्वेशन पे आओ और चेक करो कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ड ऑन है पॉली एटॉमिक कंपाउंड के ऊपर, किसी भी पॉली एटॉमिक कंपाउंड का इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे करते हैं कंपाउंड। तो ध्यान देना, AlNO3 × 3 प्लस H2SO4 मिला के बनाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस Al2SO4 × 3। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो ध्यान देना कि इसे पॉली एटॉमिक कंपाउंड क्यों कहेंगे। यहाँ पर देखो ये जो नाइट्रेट है 3 बार दिया हुआ है, यहाँ पर सल्फेट देखो 3 बार दिया हुआ। ध्यान से देखोगे ये सल्फेट है जो कि पेयर बना रहा है, यहाँ 1 बार दिया है और ये नाइट्रेट है 1 बार दिया हुआ है, तो इसे पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स बोलेंगे। पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स जब भी आए तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे मान के चलना है कि एक एलिमेंट दिया हुआ है। तो बैलेंस करेंगे एल्यूमिनियम 1 एल्युमिनियम 2, यानी कि यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। फिर से चेक करेंगे 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया बैलेंस। यहाँ पर नाइट्रेट कितना दिया हुआ है NO3 × 3, यानी कि 6 नाइट्रेट दिया हुआ है। यहाँ चेक करो 1 नाइट्रेट है, यानी कि इसे 6 बनाना पड़ेगा। फिर से इक्वेशन को चेक करेंगे 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 6 नाइट्रेट 6 नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रेट और एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बचा हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यानी कि इसे 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें। फिर से इक्वेशन को चेक करेंगे 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 6 नाइट्रेट 6 नाइट्रेट 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ ध्यान दो ये सल्फेट है 1 बार दिया हुआ, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 सल्फेट दिया है और यहाँ पर देखो 3 सल्फेट दिया है, यानी कि ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो जब भी पॉली एटॉमिक कंपाउंड का इक्वेशन बैलेंसिंग करना हो तो जो भी ब्रैकेट के अंदर दिया हो उसे एक एलिमेंट मान के करना है। ध्यान देना कि अगर पेयर नहीं बन रहा है तो नॉर्मल तरीके से हर एक एलिमेंट का करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं पॉली एटॉमिक कंपाउंड के ऊपर और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Fe2SO4 × 3 प्लस NH4OH बनाता है FeOH3 × प्लस NH4 × 2SO4। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पॉली एटॉमिक कंपाउंड आए तो उसे एक एलिमेंट मान के चलना है। जैसे यहाँ पर SO4 दिया है, यहाँ पर SO4 3 times दिया है, तो चेक करेंगे Fe2 है, यहाँ Fe 1 बार है, यानी कि इसे 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से चेक करेंगे Fe2 Fe2। नेक्स्ट देखो सल्फेट 3 times दिया है, यहाँ सल्फेट कितना टाइम्स दिया है 1 बार दिया है, यानी कि इसे 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से चेक करेंगे Fe2 Fe2, सल्फेट 3 times, ठीक है। यहाँ पर देखो NH4 एक बार दिया है, यहाँ पर NH4 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि NH4 को 6 बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से इक्वेशन को चेक करेंगे Fe2 Fe2, सल्फेट 3 सल्फेट 3, 6 NH4 6 NH4। नेक्स्ट बचा है OH 6 हाइड्रोक्साइड, यहाँ देखो 2 और 3, यानी कि 6। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्टकट मेथड के बारे में, उस मेथड को यूज करके आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।